हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी आर्ट एंड फैशन। आज मैं बताने वाली हूँ नंदिनी स्टाइल साड़ी। जी हाँ, सिलसिला बदलते रिश्तों का मैं नंदिनी ने फ्रिल वाली साड़ी पहनी थी, जो कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रिल साड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट बनी हुई है। तो मैं साड़ी और फ्रिल दोनों एक ही फैब्रिक से बनाऊंगी, इसमें मैं दो शेड यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये कपड़ा मैंने मीटर से लिया है, 5.5 मीटर अलग और 3 मीटर फ्रिल के लिए अलग। इस कपड़े की जो लेंथ है ऊपर से लेके नीचे तक, वो साड़ी वाली लेंथ है, लेकिन जब हम यहाँ पर फ्रिल बना के ऐड करेंगे तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से एक पट्टी निकाल लेंगे। जितनी चौड़ी हमें फ्रिल चाहिए उतनी ही चौड़ी पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे। 7 इंच यहाँ से निशान लगा लेंगे। 7 इंच की पट्टी को कट करके हम निकाल लेंगे, फ्रिल बनाने में ये कपड़ा यूज़ हो जाएगा, तो इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 3 मीटर कपड़ा ये और है, जिसे मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से भी फ्रिल के लिए पट्टी काटेंगे। ये जो साड़ी में से कट किया था 7 इंच की पट्टी, सेम ऐसे ही दो और हम कट करेंगे, 7 इंच 7 इंच की दो। ये एक पट्टी हो गई 3 मीटर की, ये दूसरी 3 मीटर की, और ये जो शुरू में हमने काटा था 5.5 मीटर का, तीनों को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे फ्रिल बनाने के लिए। सभी कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद अब इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है, इसे हम सुई धागा से स्टिच करके बनाएंगे, इस तरह से जैसे नॉर्मल सिलाई करते हैं हाथ से, बिल्कुल वैसे ही सिलेंगे इसको। इस तरह से ऐसे चुनट देके फ्रिल बनाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि मशीन में जो बड़ी सिलाई वाला नंबर होता है, 4 नंबर 5 नंबर, उस नंबर पे लगा के हम इसमें बड़ी सिलाई, बड़ी टाके वाली सिलाई देंगे। नॉर्मल मशीन में भी आप ऐसे ही करेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद एक तरफ से धागा लेके खींच लेंगे, इस तरह से धीरे धीरे खींचेंगे और चुनट बनाते जाएंगे। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं और नॉर्मल मशीन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रिल बना के रेडी कर लिया है। अब इसे साड़ी में कैसे लगाना है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रिल को साड़ी में कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये साड़ी है जिसकी कटिंग हमने नीचे से की थी, बॉटम से 7 इंच हमने कट किया था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर से ये आँचल वाला साइड है, आँचल वाले साइड के सबसे कॉर्नर से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने फ्रिल बनाई थी उसको इस तरह से ऐसे प्लेस करेंगे इस पर। फ्रिल का ये रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगा, ये देखिए ये फोल्ड वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर नीचे तक सिलाई करेंगे इसको। ये आँचल वाला एरिया है और उसके बाद फिर पूरा नीचे बॉटम में सिलाई करेंगे। साड़ी के पल्लू के कॉर्नर में इस तरह से फ्रिल रखेंगे। ये साड़ी, ये फ्रिल का रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह से, उसके बाद हम सिलाई कर लेंगे। तो साड़ी में फ्रिल लग के कंप्लीट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ 3 मीटर कपड़ा है जिसमें से हमने साड़ी के लिए फ्रिल निकाला था, तो उसमें से इतना कपड़ा बच गया है, इसमें से हम फिर से फ्रिल के लिए कटिंग करेंगे। इस फ्रिल को हम साड़ी के आँचल पे लगाएंगे। इस फैब्रिक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पट्टी की विड्थ जो है वो 5 इंच है, ये सब 5 5 इंच की है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कपड़े की कटिंग हो गई है, इन सारे कपड़े की फ्रिल बना लेंगे इस तरह से, और इस कपड़े को हम साड़ी के पल्लू में यानी साड़ी के आँचल में लगाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे नंदिनी की साड़ी डिज़ाइन की हुई है बिल्कुल हमें वैसी ही साड़ी यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। नंदिनी की साड़ी में आँचल में बहुत सारे फ्रिल बने हुए थे, तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी यहाँ पे आँचल में फ्रिल बनानी है। यहाँ पे मैंने पहले से मार्क कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 6 इंच,
यहाँ से यहाँ तक सिक्स इंच की दूरी पे मैंने मार्क कर लिया है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। इस लाइन में हमें फ्रिल रख के स्टिच करनी है। अब यहाँ पे फ्रिल कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये आँचल वाला साइड है, यहाँ पे फ्रिल जो है नीचे की तरफ है, यहाँ पे ठीक हम अपोजिट साइड में फ्रिल लगाएंगे। इस फ्रिल को ऐसे नहीं लगाएंगे, इस फ्रिल को हम ऐसे लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। दूसरी भी फ्रिल ऐसे ही लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन देख रहे हैं निशान, ये जो मार्क किया हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर रख के और जैसे हमने फ्रिल लगाया है बाकी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। फ्रिल हमारी लग गई है, हमने उल्टे साइड से फ्रिल लगाया था, अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ऐसे फ्रिल लगाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि सिलाई लाइन नहीं दिखेगी और किसी भी तरह की लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो किनारे वाली लाइन है इसको आप चाहे तो फोल्ड करके हेमिंग कर सकते हैं या सिलाई कर सकते हैं या फिर इसको आप पिको भी कर सकते हैं। फ्रिल को और हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके बॉर्डर पे किनारे आप पतली लेस लगा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आँचल में फ्रिल कहाँ से लगानी शुरू करनी है। ये हमारा आँचल वाला एरिया जहाँ पे फ्रिल लग चुका है। जब हम साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनने के बाद जो पॉइंट शोल्डर पे आता है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद 2 से 3 इंच छोड़ के वहाँ से आप मार्किंग करना शुरू कर दें और वहाँ से फ्रिल लगाना शुरू कर दें। आप चाहे तो एक साथ डबल फ्रिल भी लगा सकते हैं और फ्रिल की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये नंदिनी स्टाइल फ्रिल साड़ी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने ब्लाउज की जगह टॉप पहना हुआ है जो कि थोड़ी सी मिसमैच हो रही है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में मैंने इसका जो ब्लाउज है रेडी नहीं किया है। तो आप इसके ब्लाउज अपने स्टाइल से ज़रूर बना लें। आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो मेरे बालों में ये जो फ्लावर लगी हुई है ये हैंडमेड फ्लावर है और ये सेम फैब्रिक से बनी हुई है क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि इसे बना लूँ और मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं सोची हूँ कि 2-4 अपनी जो ड्रेस है उसकी मैचिंग में और 2-4 बना के रख लूँ अलग अलग ड्रेस के साथ पहनने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये फ्लावर बनाना मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह से नए नए डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ दी आर्ट एंड फैशन में।